ट्राइगन मेथड, बेट गम मेथड और एक है बॉटल मेथड। तो आपके याद करने के लिए, आपको याद रखने के लिए मैंने इसके ना तीन इस तरह किया है कि भी आपको अच्छे से याद रहे। ई डब्ल्यू बी, ठीक है, डैडी विद बेबी, ठीक है, डैडी विद बेबी। इससे हम क्या लेंगे, इससे हम लेंगे ड्राई गम मेथड, ठीक है। अच्छा जी, जिसके पास बुक पड़ी है वो इसका दूसरा नाम बताया, इसको हम लेंगे बेटर गम मेथड, ठीक हो गया। सिमिलरली इसका हम लेंगे बॉटल बॉटल मेथड। अच्छा जी एक मिनट रुक जा भाई। अच्छा इसका दूसरा नाम है फॉर्ब्स मेथड, ठीक है, या इसका दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम है कॉन्टिनेंटल मेथड, ठीक है, इसका दूसरा नाम है इंग्लिश मेथड, ठीक है, इसका दूसरा नाम है फॉर्ब्स मेथड, ठीक है। बुक आपके पास पड़ी है ना, उसमें लिखा हुआ है। अच्छा होता क्या है, जैसे कि नाम से जहर है, ड्राई गम मेथड, इसमें आपने एक खुश्क गम लेना है, ठीक है, और उसमें क्या क्या डालेंगे, हमने मलजम में क्या क्या डाला था सर, आयल वाटर, ठीक है। सिमिलरली इसमें भी यही तरीका कार होगा हमारा कि हम इसमें भी वही सेम चीज़ें डालेंगे, ठीक है। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं इमल्जन एजेंट डाला हमने, कौन सा, इमल्सिफाइंग, इमल्सिफाइंग एजेंट डाल दिया, या इसको हम सिर्फ ई ए लिख देते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या डाला, उसके बाद हमने इसमें डाल दिया ऑयल, ठीक है, और फिर क्या डाला, ठीक है, हम इसको ऐसे लिख देते हैं, फिर हमने क्या डाला, वाटर को हम इस तरह लिख देते हैं, ठीक हो, ठीक हो गया। एच टू ओ, इमल्सिफाइंग एजेंट क्या होगा, ड्राई गम होगा हमारे पास, ठीक है, उसके बाद ऑयल है, उसके बाद वाटर, ये तीन चीज़ें हमने डाली, तो कौन सा मेथड बना, ड्राई गम मेथड। अच्छा इसकी जो रेशियो है आपके बुक में दी हुई है, आई थिंक सो 4:2:1, ठीक है, समझा रही है। ड्राई गम मेथड में हम क्या डालेंगे, इमल्सिफाइंग एजेंट डालेंगे, ऑयल डालेंगे, वाटर डालेंगे, और इसकी रेशियो क्या होगी, 4:2:1, ठीक है। अच्छा 4 क्या होगा, ऑयल होगा, 2 वाटर होगा, और 1 जो है वो क्या होगा, गम होगा। हम यहाँ पर इसके शॉर्ट नाम लिख देंगे गम, ये क्या है, वाटर, और ये क्या है, ऑयल, ठीक है। तो इस रेशो से आपने क्या बनाना है, ड्राई गम मेथड से क्या बनाना है, आपने इमल्जन बनाना है, क्या बनाना है, इमल्जन। उसमें मिसाल के तौर पर एक पार्ट इमल्सिफाइंग एजेंट का हो गया, 2 पार्ट वाटर के हो गए, और 4 पार्ट इसके हो गए, ऑयल के। ये सादा सा तरीका है और इसको सादा से याद रखना है आपने। अच्छा इसका सवाल कैसे आ सकता है, ठीक है, सवाल के लिए वो लिख सकता है राइट डाउन ड्राई गम मेथड, राइट डाउन कॉन्टिनेंटल मेथड, राइट डाउन 4:2:1 मेथड, ठीक है। तो आपने ये इन तीनों में से जो भी सवाल है तो आपने ये वाला लिखना है, और सादा से लिखना है कि मैंने क्या डाला, इमल्सिफाइंग एजेंट डाला, ऑयल डाला और वाटर डाला, ठीक है। अब तरीका इसका जो होता है वो इस तरह होता है कि आपने इसको मार्टल पिस्टल या दौरी कुंडा, ठीक है, या डंडा कुंडा जो भी आप कहते हैं, उसमें आपने डालना है, आपने उसको मिक्स करना है, मिक्स करके आपने क्या डालना है, पहले ऑयल डालना है, ऑयल डालने के बाद क्या डालना है, वाटर डालना है, वाटर डाल के उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। आपके पास क्या तैयार हो जाएगा, इमल्जन, इमल्जन की बेहतरीन मिसालें जो है आपके पास लोशन आते हैं जो खवातीन लगाती हैं, या हम बच्चों के लिए लाते हैं अगर कोई उसको खारिश वगैरह हो जाए, ठीक हो गया। अच्छा अगला मेथड है वेट गम मेथड या इंग्लिश मेथड, ठीक है, इसमें भी रेशियो सेम होगी लेकिन इसका तरीकाकार जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा, क्या होगा, थोड़ा सा डिफरेंट होगा। इसमें हम डालेंगे इमल्सिफाइंग एजेंट, ठीक है, उसके बाद हम क्या डालेंगे, वाटर डालेंगे, क्यों वाटर डालेंगे, उसके बाद हम ऑयल डालेंगे। अच्छा वाटर क्यों डालेंगे, क्योंकि ये वेट गम मेथड है, ठीक है। इसका हम, आपने कभी चटनी बनाई, चटनी का पहले हम पेस्ट बनाते हैं, फिर उसमें लस्सी या दही ऐड करते हैं तो वो उसको पतला कर देते हैं, बनाई आपने, दही निकम में बंदे वहाँ, ठीक है, हैं क्या कहा, खाने का तो चले सब खाते हैं लेकिन बनाने का भी पता होना चाहिए ना। अच्छा जी तो इसको क्या डालेंगे हम, पहले इमल्सिफाइंग एजेंट और उसके बाद वाटर और फिर ऑयल, तो इसकी रेशो क्या होगी, सेम होगी, कौन से वाली, ये वाली, 4:2:1, ठीक है। इसमें एक क्या होगा, गम, दो क्या होगा,
ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या है, उधर पहले हमने आयल डाला, इधर हमने वाटर डाला, जब ज़्यादा पार्ट तक आयल का है, इधर वाटर का है। ठीक है, इतनी सी बात समझ आ गई। आगे है बॉटल या फोर्स मेथड। इसमें हमने जो डालना है, जो आपकी बुक में लिखा हुआ है, वो रेशियो है 4:4:2। क्या है, 4:4:2। अच्छा जी, 2 तो आपका हो गया गन, 4 क्या होगा आयल, 4 क्या होगा सॉरी आयल इसका पहले आएगा, वाटर बाद में आएगा। ठीक है, ठीक हो गया, कुछ बात समझ आ रही है नहीं आ रही, दोबारा समझाऊं? नहीं सर, आगे समझ। अच्छा, इसमें ये बॉटल क्यों है, बॉटल में हम क्यों डालेंगे? बॉटल में हम इसलिए डालेंगे कि ये होता है वोलेटाइल आयल। वोलेटाइल आयल का पता है ना, उड़ जाने वाला, वो आप उसको खुला रखेंगे उड़ जाएगा। लिहाजा आप क्या करेंगे, पहले आप बॉटल में आयल और गम डाल देंगे, उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, क्या कर लेंगे शेक कर लेंगे। शेक करने के बाद आप थोड़ा थोड़ा उसमें वाटर ऐड करते जाएंगे। वाटर ऐड क्यों करते हैं, ताकि वो फिर आसानी से उड़े ना, लेकिन उसके बावजूद भी आपने उसको बॉटल में बंद रखना है। ठीक है ना, ये बॉटल है, ठीक है, इसका ये ढक्कन है, आपने इसमें आयल और गम डाल दिया, आपने इसको ढक्कन डाल के अच्छे से शेक कर दिया। ठीक है, शेक करने के बाद फिर आपने क्या किया, थोड़ा थोड़ा वाटर ऐड किया। वाटर ऐड करने के बाद आप क्या करते हो, आप फिर उसको ढक्कन डाल के और उसको शेक करते हो। ठीक हो गया, यहाँ तक बात समझ आ गई। तो ये आपका क्या है, प्रेपरेशन ऑफ इमल्जेंट के 3 मेथड हैं, ड्राई गम मेथड, वेट गम मेथड और वाटर मेथड, या इसका दूसरा नाम है फॉर्स मेथड, उसका नाम है इंग्लिश मेथड, उसका नाम है कॉन्टिनेंटल मेथड। ठीक हो गया, अगला जो छोटा सा टॉपिक है उसका नाम क्या है जी, जो हमने पढ़ना है वो है स्टेबिलिटी ऑफ इमल्जेंट। अच्छा, स्टेबिलिटी ऑफ इमल्जेंट में तस्वीरें दी हुई हैं, इसको मैं यहाँ बनाकर आपको थोड़ा सा समझाता हूँ, लेकिन आप इसको बुक से भी देखेंगे और बुक से पढ़ भी देंगे। इसकी जो है स्टेबिलिटी ऑफ मेथड की जो है 4 क्वेश्चन है, पहला नंबर पे क्वालिसेंस है, दूसरे पे क्रीमिंग है, तीसरे पे ब्रेकिंग और चौथे पे फ्लो फ्लो पोल्यूशन। ठीक है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ, या अच्छा ये क्यों ज़रूरी होता है, स्टेबिलिटी ऑफ इमल्जेंट क्यों ज़रूरी है? आपने इमल्जेंट बना लिया ना, यहाँ पर ये इमल्जेंट आपने बनाया है 2-3, ठीक है, अब वो बना तो नहीं है, अब उनको आप स्टेबल कैसे रखेंगे? ठीक है, ये वाले आपको पता होना चाहिए। ठीक हो गया, अच्छा इसमें जो पहला नंबर पर है वो क्या कौन सा है, क्वालिसेंस। ठीक है, क्वालिसेंस का मतलब होता है जोड़ जाना, गुच्छा बना देना। ठीक है, इसको हम यूं लेंगे कि जैसे इस पे लिखा, इस पे दो जो है एक ही इमेज दिया हुआ है, मैं आपको डिफरेंट इमेज बना के बताता हूँ। मिसाल के तौर पर ये वाला, मिसाल के तौर पर आपने कोई भी अपनी प्रेपरेशन बनानी है, आपने कोई भी दी हुई है चीज़, तो उस पर आप क्या करते हैं, वो ऐसे होता है ना जी, अलहदा अलहदा होते हैं पार्ट, उसके पार्टिकल अलहदा अलहदा हैं, फिर वो क्या करते हैं, आप जैसे जैसे उसको बनाते जाते हैं वो इकट्ठे होते जाते हैं। ठीक है, अंटिल अनलेस कि वो आपके पास एक ही बन जाता है। ठीक है, वाली सेंस में इसको आप उससे पढ़ेंगे तो आप समझ आते हैं। सिमिलरली आपके पास दूसरा क्या है, अच्छा इधर बुक में भी लिखा हुआ है, वाली सेंस मीन्स टू ग्रो टुगेदर, यानी ऐसे इकट्ठे इकट्ठे होते होते एक ही बन जाना। ठीक है, अच्छा जी, तो दूसरा है क्रीमिंग या सेडिमेंटेशन। क्या है दूसरा नंबर पर, क्रीमिंग या सेडिमेंटेशन। ठीक है, अच्छा इसको भी आप समझ लें, सेडिमेंटेशन। ठीक है, अच्छा इसमें क्या होता है, इसमें आपकी प्रोडक्ट का क्या होता है, अगर आपकी प्रोडक्ट आपके फ्लास्क में ऊपर आकर इकट्ठी हो जाए, जैसे मलाई इकट्ठी होती है, तो इसको क्या कहेंगे, क्रीमिंग। ठीक है, अगर आपकी प्रोडक्ट नीचे बैठ जाए, जैसे आपका चूना बैठ जाता है या चाय की पत्ती बैठ जाती है, और भी बहुत सारी चीज़ें नीचे बैठ जाती हैं, जिसको हम कल प्रेसिपिटेशन पढ़ रहे थे, तो उसको हम क्या कहेंगे, सेडिमेंटेशन। ठीक हो गया, इसमें इतनी सी बात है जो आपने याद रखी है। अच्छा जी, तीसरे नंबर पर क्या है, तीसरे नंबर पर है क्रैकिंग या ब्रेकिंग। ठीक है, ये थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन इसको मैं आसान करने की कोशिश करता हूँ। क्रैकिंग और ब्रेकिंग, यानी इसमें आपकी जो प्रोडक्ट है वो क्या होती है, स्टेबल नहीं रहती, वो टूट जाती है, तो वो दोबारा फिर बनती भी नहीं है, उसके लिए क्या आपके इधर क्या लिखा हुआ है ब्रेकिंग में, उसमें एक ही दिया हुआ है। सपोज करते हैं कि आपके पास फ्लास्क है, आपकी मैं प्रोडक्ट पड़ी है उसमें, ठीक है, पहले वो सही तरीके से उधर क्या है डिस्पर्स सिस्टम में, आपका डिस्पर्स सिस्टम जो है आपके कंटिन्यूस पेज में क्या हुआ हुआ है, मिक्स हुआ हुआ है। ठीक है, फिर आगे आप जाते हैं तो आपका जो डिस्पर्स सिस्टम है या जो ये पेज है, ये थोड़ी थोड़ी कम होती जाती है,
तीसरी जगह पर जाकर ये क्या हो जाती है, ये इस रिहाल में आ जाती है कि ये इकट्ठी हो जाती है, ठीक है। और ये दोबारा आपकी दोबारा ये शेकिंग से भी मिक्स नहीं होती, इसको कहते हैं क्रैकिंग या ब्रेकिंग, ठीक है। इसमें इस पर जो आपकी डिस्पर्स फेज है वो एक ही जगह इकट्ठी हो गई है, ठीक हो गया। और आखिरी क्या है जी, फ्लोक्यूलेशन, ठीक है, फ्लोक्यूलेशन। अच्छा इसमें क्या होता है जी, इसमें होता है कि गुच्छे बन जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें आप ये इमेज में गुच्छे बने हुए हैं, ठीक है, ये ऊपर ऊपर फ्लोक्यूलेशन राइट साइड पे। अच्छा ये कैसे होता है इसको आप समझें, मिसाल के तौर पर आपकी जो डिस्पर्स फेज है वो इस तरह अलग अलग है, ठीक है, लेकिन वो दूसरी या तीसरी उस पर आके वो एक ही गुच्छा बन जाती है, जैसे अंगूर का गुच्छा होता है, ठीक है, इस तरह का आपका अंगूर का गुच्छा बन जाता है, ठीक है। ये आपके ये तीन चार इसकी फेजेस हैं किस चीज़ की, स्टेबिलिटी की। इसको आप जब इस पिक को देख कर पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी, मज़ीद अगर कोई सवाल होगा तो आप मुझसे कर सकते हैं, ठीक हो गया।